हेलो बच्चों, आज इस क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर्स में से ही एक है ये, और मेरा ये अनुमान है कि मेरा ये मानना है कि पूरी पार्टनरशिप में आपने जितने चैप्टर या जितने टॉपिक देखे हैं या इसके बाद में भी देखोगे, तो सबसे सिंपल चैप्टर है। और इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों का भी मानना ये ऐसा ही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का लिटरल इसका मीनिंग होता है डिसॉल्व करना। डिसॉल्व मीन्स समाप्त करना, और यहाँ पे समाप्ति किसकी कर रहे हैं, ऑफ मतलब का, तो डिसॉल्व कर रहे हैं या डिसोल्यूशन कर रहे हैं किसका, एक पार्टनरशिप फर्म का। तो बनी बनाई एक फर्म है जिसमें ए बी सी डी या फिर ए बी या ए बी सी तीन पार्टनर या दो पार्टनर या चार पार्टनर काम करते हैं। अपनी स्वेच्छा से उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, बिजनेस को चला रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो आज अब इस फर्म को चलाना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, उस फर्म को समाप्त कर देंगे। उस फर्म को बिजनेस में मतलब बिल्कुल जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उन सबको बेच देंगे, जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनका भुगतान कर देंगे, तो उस चीज़ को अब हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर को अगर ठीक नहीं लग रहा तो चाहे तो वो बिजनेस छोड़ करके जा सकता है, दूसरे पार्टनर को भी ठीक नहीं लग रहा वो भी बिजनेस छोड़ करके जा सकता है, लेकिन बचा हुआ एक पार्टनर या बाकी बचे हुए दो पार्टनर वो तो बिजनेस चला रहे हैं ना, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, फर्म चलती रहती है। एडमिशन में क्या था, दो या तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, चार पार्टनर काम कर रहे हैं, एक नया पार्टनर और बिजनेस में आ गया, तो वो एडमिशन है। डेथ में क्या होता है, तीन या चार पार्टनर काम कर रहे हैं, एक पार्टनर एक्सपायर हो गया, तो वो भी रिटायरमेंट की तरह ही है एक प्रकार से, बाकी बचे हुए पार्टनर आगे बिजनेस को चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी बिजनेस पार्टनर आगे बिजनेस को नहीं चलाता, वो बिजनेस को बंद ही कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। और एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें बनता क्या क्या है, इसमें मेनली तीन आपको स्टेटमेंट बनानी होती है। नंबर वन है रियलाइजेशन अकाउंट। अभी क्या बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा कैपिटल अकाउंट। ये जो मेन अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी और अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन मेन अकाउंट तो तीन बनने ही बनने हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट जरूर बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये तीन अकाउंट आपको बनाने ही बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट आपको ऑलरेडी आता ही बनाना, इस तो इसके बारे में मैं क्वेश्चन के बाद चर्चा करूँगा। तो कैपिटल अकाउंट ये ऑलरेडी आपको आता है, पता ही है। कैश अकाउंट 11th क्लास से बनाना सीखा हुआ है आपने, इवन कैपिटल अकाउंट भी पहले से बनाना सीखा हुआ है, लेकिन कैश तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। 11th क्लास से आपको अच्छी तरह हैबिट बनी हुई है, आपने एनपीओ में भी सीखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल, आपने हर जगह कैश अकाउंट बनाना दोबारा से सीख लिया है। तो डेबिट साइड व्हाट कम्स इन, क्रेडिट साइड व्हाट गोज आउट। कैपिटल अकाउंट 11th क्लास से सीखा हुआ था, पार्टनर्स की पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। पार्टनर की कैपिटल अगर बढ़ती है तो डेबिट क्रेडिट साइड, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, और अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट साइड। कैश बैंक में क्या रूल होता है, अगर कैश या बैंक बढ़ता है तो डेबिट, और अगर कैश या बैंक कम होता है तो क्रेडिट। मेन है रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं अब हम, रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे। तो देखिएगा अच्छी तरह, इसका मैं पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल P&L ही है एक प्रकार से, आप ऐसा समझ लीजिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी इसकी और समझाता हूँ। होता क्या है कि जो आपके पास, यानी कि ABC मान लीजिए जैसे तीन पार्टनर हैं, तो उन पार्टनर्स के पास जो आज की डेट में जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को उन्होंने पूरी तरह से खाली करना है। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम बची हुई नहीं रहनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, आप अगर लायबिलिटी साइड चेक करें एक बार, कोई सी भी बैलेंस शीट अपने आप इमेजिन कीजिए, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट होते हैं, तो उसके कैपिटल के जो बैलेंसेज हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। बाकी उसमें जो बची हुई लायबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चली जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं
और जितनी भी कैपिटल है कैपिटल वाले कैपिटल में चले गए, और जो लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें बाहर वाले लोगों को पेमेंट करनी है वो चली जाएगी रिलेशन को। मेनली दो ही प्रकार की लाइबिलिटी होती है ना, एक आउटसाइडर लाइबिलिटी और एक इनसाइडर लाइबिलिटी। बिजनेस के अंदर दो प्रकार की लाइबिलिटी होती है, एक जो हमें बाहर वाले लोगों का पैसा देना है और एक जो हमें घर वाले लोगों का पैसा देना है। तो घर वाले लोगों का पैसा देना है वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब जो बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस के रूप में। लेकिन जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसको हम कहाँ लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली। तो उसमें से कैश को छोड़कर जितनी भी एसेट्स बचती हैं, एसेट्स मैं लॉस वगैरह की बात नहीं कर रहा, लॉस गुडविल वगैरह की बात नहीं कर रहा, मतलब इवन गुडविल भी आती है, तो जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से केवल कैश एंड बैंक, उसको तो ले जाएंगे कैश बैंक में, और उसके अलावा जितनी भी एसेट्स बचती हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको लाइबिलिटीज़ भी समझा दिया, एसेट्स भी समझा दिया। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल वाले कैपिटल में चले गए, जो बाहर वाले लोगों का पैसा देना है वो चला गया यहाँ पर। एसेट साइड में से कैश बैंक चला गया यहाँ पर, और बाकी जितनी भी एसेट्स बची हैं वो चली गई यहाँ पर। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए मेनली मैं रिलेशन अकाउंट किस तरह से बना रहा हूँ। तो रिलेशन अकाउंट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया, बैलेंस शीट में एसेट्स में से सारी एसेट चली जाती है रिलेशन अकाउंट में, कैश बैंक चला गया कैश बैंक में। तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड होती है उसका बैलेंस होता है, आपको अच्छी तरह पता है, डेबिट बैलेंस। तो आपने करना क्या है, बैलेंस शीट को पूरी तरह से खाली करना है, रिलेशन अकाउंट में लेकर के आना है। तो जो बैलेंस शीट में डेबिट साइड वाली चीज़ है वो आ जाएगी यहाँ पर डेबिट साइड। जितनी भी एसेट्स हैं उन सबका होता है डेबिट बैलेंस, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट को जब आप खाली कर रहे हो तो खाली करने के बाद डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में चली गई, क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में चली गई। तो डेबिट वाली चीज़ें मैं बैलेंस शीट से उठा करके लेके आ रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स एसेट साइड ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, और जितनी भी एसेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़ करके सारी की सारी एसेट्स यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक उठा लिया आपने, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। कैश नहीं लिखना, बस कैश को छोड़कर जितनी भी एसेट्स बची हुई है जितनी भी, वो सारी के सारी आप यहाँ लिखते चले जाओ, और उनके बैलेंस इनर कॉलम में। इनर कॉलम इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसके बाद हम इन सब का टोटल उठा करके यहाँ रख देंगे। आप डायरेक्टली स्टॉक का बैलेंस इधर भी लिख सकते हो, बिल्डिंग का बैलेंस भी लिख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी का, डेटर का, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का, फर्नीचर सब का बैलेंस बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन अंदर लिख करके उन सब का टोटल फिर जब यहाँ लिखा जाएगा तो दो बार टोटल चेक हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा। तो करने का तरीका ये है, थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन अकाउंट बनाया। रिलेशन अकाउंट बनाते टाइम बैलेंस शीट जो आपके सामने क्वेश्चन में दे रखी होगी, ऑफकोर्स दे रखी होगी, तो बैलेंस शीट का आपने क्या करना है, उसे खाली करना है। उसको खाली करते टाइम जितनी भी उसकी एसेट्स वाली चीज़ें हैं वो उठा करके यहाँ लिख देंगे। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, सारी एसेट्स आ जाएंगी, लेकिन एक एसेट को छोड़ देना है, एक या दो एसेट को। कौन कौन सी? कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक को क्यों छोड़ा? क्योंकि अलग से उसका एक अकाउंट बना रहे। तो बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड खाली कर दी, अब बात आती है लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, पूरी की पूरी खाली कर दीजिए लायबिलिटी, लेकिन कैपिटल को छोड़कर। कैपिटल को क्यों खाली छोड़ना है? क्योंकि वो कैपिटल का हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी लायबिलिटीज है सारी की सारी उठा करके यहाँ रख दीजिए। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, ध्यान रखना आउटसाइडर्स लायबिलिटी,
आउटसाइडर लैंड, बैंक लोन, और क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो, अंदर लिखा इनके अमाउंट को और फिर फाइनली इन सबका टोटल बाहर लिख लिया। अभी हमने बैलेंस शीट को काफ़ी हद तक खाली कर दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया है, एक तो इस साइड जो हमने उतारी है, तो यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस बच गए जो हमने यहाँ नहीं लिखे, तो कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस साइड हमने क्या छोड़ दिया, कैश और बैंक छोड़ दिया, उसको हम कैश बैंक में ले जाएंगे। तो बैलेंस शीट हमने ऑलमोस्ट खाली कर दी है। अब इसी अकाउंट में आगे देखेंगे क्या क्या बता, तो हमने एसेट्स और लायबिलिटी तो ट्रांसफ़र कर दी। अब होता क्या है, आप खुद सोचिए, जब बिज़नेस बंद किया जाता है तो बस खाली ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे क्या, ऐसा नहीं होता। जब बिज़नेस बंद किया जाएगा तो करते क्या है, हम जितनी भी एसेट्स हैं उनको मार्केट में बेचा जाता है, चाहे उसे पुराने रेट पे बेचा जाए, चाहे सेकेंड हैंड रेट पे बेचा जाए, बिल्डिंग में यानी कि फैक्ट्री के अंदर या बिज़नेस में कह लीजिए, बिज़नेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको बस किसी तरह से बेच बाच करके जितना पैसा इकट्ठा किया जाए कर लिया जाता है। डेटर्स हैं उनसे बोला जाता है भाई हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं हमारा पैसा दो, स्टॉक है उसको सेल वेल निकाल करके, या फिर जो हमारे सप्लायर हैं सॉरी हमारे कस्टमर हैं उनको थोड़े से 90% 80% या 50% रेट पर बेचा जाता है, या रेट टू रेट बेचा जाता है, जैसा भी हो स्टॉक को निकालने की कोशिश की जाती है, बिल्डिंग को बेचा जाता है, प्लांट मशीनरी जितना भी है सारे उनको बेचा जाता है, डेटर्स से उनसे पैसे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, फ्री होल्ड प्रीमिसिस है उसको मार्केट रेट पर बेचा जाता है, तो जितनी भी एसेट्स हैं उनमें उन सबको मार्केट रेट पर बेचने का प्रयास किया जाता है, तथा जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट ज़रूर करके जाना है, वरना भगोड़े कहलाओगे आप। तो एसेट्स के पैसे मंगवा लो और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दो। तो हमने बैलेंस शीट जब खाली की थी तो एसेट्स वाली को डेबिट साइड लिख लिया था, लायबिलिटीज़ वाली को क्रेडिट साइड लिख दिया था, लेकिन जब पेमेंट करेंगे या पेमेंट प्राप्त होगी तो क्रॉस जाएगा। क्रॉस क्या जाएगा, मतलब ये जो एसेट्स हैं लिखा था उन्हें हमने डेबिट साइड है, लेकिन इनके अगेंस्ट अगर कुछ पेमेंट मिल रही है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो करते क्या है, बाय कैश, अगर हमने एसेट्स को कैश में बेचा है यानी कि जितनी भी एसेट्स हैं अगर इन्हें कैश में बेचा है तो इनके अगेंस्ट अगर कैश मिल रहा है तो अब हम इन्हें बेचेंगे और कैश के थ्रू बेचेंगे, क्या नाम लिखेंगे, बाय एसेट्स, बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड। तो क्या क्या एसेट्स हैं, एसेट्स हमारे पास 5 हैं, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, लिखा इधर है पेमेंट इधर प्राप्त होगी। तो स्टॉक को बेचा मान लीजिए, तो स्टॉक था मान लीजिए हमारे पास 1,00,000 रुपये का, लेकिन वो बिक रहा है आज के डेट में केवल 60,000 रुपये का, तो कोई बात नहीं जितने का भी बिके आप उसके पैसे यहाँ पर लिख दीजिए। स्टॉक जो बैलेंस शीट में दे रखा था उसको तो पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, लेकिन उसके पैसे जितने मिले वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो स्टॉक था 1,00,000 रुपये का, इनर कॉलम में हमने 1,00,000 रुपये लिख रखा था, लेकिन उसके पैसे मिले बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 60,000 रुपये। बिल्डिंग थी 5,00,000 रुपये की, हमें मिल गए 6,00,000 रुपये, कोई बात नहीं ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो बिल्डिंग 6,00,000 रुपये मिले, 6,00,000 रुपये लिख दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी बिकी ही नहीं मान लीजिए, उसकी वैल्यू आज के डेट में 0 हो गई, तो यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लिखा जाएगा। मतलब जिस एसेट्स के बारे में बता रखा है कि वो इतने की बिकी केवल उतने ही रुपए लिखने हैं, चाहे ज़्यादा में बिके चाहे कम में बिके और हो सकता है ना भी बिके। अगर नहीं बिके तो आपने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ाना कि सर इसके पैसे तो क्या हो गए, तो बिल्कुल 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो 0 मान लो फिर उसे। अगर किसी एसेट के बारे में नहीं लिख रखा कि भाई वो इतने रुपये की नहीं बिक रही, तो कोई बात नहीं आप उसे 0 मान ही लेना, क्लियर। लेकिन लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होता, लायबिलिटी के केस में अगर पेमेंट के बारे में नहीं भी पता रखा तब भी उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, क्लियर हो गई बात। एसेट्स थी जितनी बैलेंस शीट से उतारी वो उतनी यहाँ लिखी, उसकी पेमेंट चाहे वो 1 रुपये मिले चाहे 1 करोड़ रुपये मिले चाहे 0 रुपये मिले, वो आपने उतने ही लिए जितने रुपये प्राप्त हुए हैं। तो स्टॉक था 1,00,000 रुपये का, मिले 60,000, बिल्डिंग थी 5,00,000 रुपये की, मिले 6,00,000, प्लांट एंड मशीनरी थे 2,00,000 रुपये के, मिले 0, तो इधर 0 ही लिखा जाएगा, मतलब उसके बारे में लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। डेटर्स है 50,000 रुपये के, मिल गए उसमें से 22,000 रुपये, तो खाली 22,000 रुपये लिखे जाएंगे, कम मिले कोई बात नहीं।
और फ्री होल्ड प्रीमिसेस इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, मतलब बाद में बात करते हैं। तो पांच में से चार एसेट्स, सॉरी तीन एसेट्स, एक दो और तीन, ये तीनों तो बिक गई। प्लांट एंड मशीनरी की आज की वैल्यू जीरो है, कुछ नहीं बता रखा, उसको जीरो ही मान लिया। फ्री होल्ड प्रीमिसेस का भी बता दूँ तो ये जो जितनी भी एसेट्स थी उसमें से कुछ हमारी एसेट्स कैश में बिक गई। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ तक तो ऐसे क्लियर हो गया होगा, अब उसके आगे का स्टेप समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर कहता है कि भैया ये वाली चीज़ मुझे दे दो। ABC तीन पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर कहता है भाई ये वाली चीज़ तो मैं ही ले जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एसेट को उस पार्टनर के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एसेट लिखी तो इधर ही गई थी, उससे रिलेटेड कुछ भी काम किया जाएगा, एसेट से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, चाहे वो पैसे मिले और चाहे पार्टनर लेके जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल। मान लो ए जो है वो क्या लेके जा रहा है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस ले जाने का वायदा ए ने कर दिया, ए कहता है कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस मैं ले जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पांच एसेट थी, उसमें से प्लांट एंड मशीनरी तो बिल्कुल जीरो हो गई, तो उसको मैंने ना तो यहां दिखाया ना यहां दिखाया, ना तो पार्टनर लेके गया ना ही कैश में बिकी हो। उसके अलावा चार जितनी भी एसेट हैं, चार एसेट जितनी भी हैं, उन चार में से तीन तो बिक गई कैश में और एक लेकर के चला गया पार्टनर। तो जो कैश में बिकी उसको मैंने क्या दिखाया, बाय कैश, उन एसेट्स के नाम लिख दिए और उन सबका टोटल भार लिख दिया, यानी कि बाय कैश मेन अमाउंट ये है, बाय कैश ये अमाउंट, और जो पार्टनर लेके जा रहा है बाय एज कैपिटल ये वाला। तो एसेट्स लिखी थी इधर, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो हुआ इधर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात आती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी में हमारे पास चार प्रकार की लायबिलिटी है, हमें क्रेडिटर्स का पैसा देना है, बिल पेबल की पेमेंट करनी है, बैंक के लोन की पेमेंट करनी है, और कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कुल मिला के हमारी चार लायबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन में केवल तीन ही लायबिलिटी के बारे में बता रखा है। तो लायबिलिटी चाहे कह रखी हो और चाहे ना कह रखी हो, उसकी पेमेंट ज़रूर की जानी है। तो जिन भी लायबिलिटीज़ के बारे में बता रखा है और चाहे नहीं भी बता रखा, तो उनकी पेमेंट जब की जाएगी तो डेबिट साइड की जाएगी। लायबिलिटी लिखी थी क्रेडिट साइड और उसकी पेमेंट होगी डेबिट साइड, टू कैश लायबिलिटीज़ पेड। तो मान लीजिए क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, बिल पेबल की पेमेंट कर दी, अब चाहे ज़्यादा करनी है कम करनी है वो क्वेश्चन में बता रखा होगा। जैसे क्रेडिटर थे 5 लाख रुपए के, उनकी पेमेंट करनी है 5.25 लाख, 5,25,000, तो 5,25,000 की पेमेंट होगी। बिल पेबल 1 लाख के थे, 1 लाख की पेमेंट कर देंगे, तो जितना कह रखा उतना कर देना, ठीक है। और एक और चीज, ये जो बैंक लोन है, ये बैंक लोन पेमेंट करने का वायदा बी ने कर दिया। बी कहता है कि बैंक लोन की पेमेंट मैं करूँगा, तो वो उसके नाम से आ जाएगा, टू बीस कैपिटल ब्रैकेट में बैंक लोन। मतलब चार लायबिलिटी हैं, उन चार में से दो लायबिलिटी के बारे में तो बता ही रखा है कि 5 लाख के बदले 5,25,000 की पेमेंट हो गई, 1 लाख के बदले 1 लाख की पेमेंट हो गई, और बैंक लोन जो 2,40,000 का था वो बी ने पेमेंट करने के लिए बोल दिया। तो अगर बी ने बोल दिया है तो बी के नाम से कर दीजिए, जो कैश में क्या रखा वो कैश में कर दीजिए, जो पार्टनर के नाम से जा रहा है वो पार्टनर के नाम पर, जैसे हमने एसेट्स का किया था। एसेट लिखी थी इधर, पेमेंट हुई उनकी इधर, लायबिलिटीज लिखी इधर और उनसे रिलेटेड कुछ भी पेमेंट होगी वो इधर। तो चार लायबिलिटी थी, तीन के बारे में तो मेंशन कर दिया कि दो कैश में जाएंगी और एक बी पेड करेगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो ध्यान रखना, चाहे कह रखा हो चाहे ना कह रखा हो, उसकी पेमेंट भी हमें कैश में करनी पड़ेगी। बात समझ में आई है? मतलब लायबिलिटी चाहे पेड करने के बारे में बोला हो चाहे ना बोला हो, उसकी पेमेंट कैश में ज़रूर की जाएगी, और जिनके बारे में जैसा बता दिया फिर वैसा कर देंगे। जैसे क्रेडिटर के बारे में बोला था कैश में पेमेंट करनी है, कैश में कर दी। बीपी के बारे में बोला था कैश में पेमेंट करनी है, कर दी। बैंक लोन के बारे में बोला था, बी को बोल दिया पेमेंट करने के लिए, तो बी को बोल दिया। लेकिन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ भी नहीं कह रखा, तो किसी पार्टनर के नाम पर ट्रांसफ़र मत करना और ज़्यादा या कम भी मत करना, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, कैश में की जाएगी। लिखा इधर लायबिलिटी को, पेमेंट हो गई इधर। एसेट्स को लिखा इधर, पेमेंट हो गई इधर। ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया।
तो क्रॉस चलता है ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा अपने रिलेशन अकाउंट की सारी की सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। अब उसके अलावा क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता है, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन और बनेंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा। क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने जो ये रिलेशन अकाउंट बनाया, मतलब सॉरी ये जो रिलेशन किया, डिसोल्यूशन किया, इस रियलाइजेशन के दौरान या फिर इस डिसोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ वकील को भी हमें पेमेंट करनी पड़ी, वकील के कागज़ वगैरह जो भी बनवाने पड़े उसकी पेमेंट करनी पड़ी, या लॉयर को फीस पेमेंट करनी पड़ी, कोर्ट में जाकर के कागज़ वगैरह की पेमेंट करनी पड़ी। तो उसको जो भी खर्चे वगैरह किए जाते हैं बिजनेस को बंद करने के टाइम पर, उन्हें बोलते हैं हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के टाइम पर होने वाले एक्सपेंसेस। तो उस रियलाइजेशन अकाउंट की बनाते टाइम जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी पेड किया जाएगा। तो वो पेमेंट या तो कोई पार्टनर पेड कर रहा होगा या कैश में होगी। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बता रखा तो ऐसे रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेड किया जाएगा कैश के थ्रू। तो यहाँ दोबारा से मैंने ऊपर स्पेस छोड़ा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर का नाम, टू एज कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर टू बीज कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर टू सीज कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और कुछ नहीं कह रखा तो कैश में चले जाएंगे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹10,000। डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹10,000 पेमेंट करनी जरूरी है। तो ठीक है भैया, पेमेंट कर देंगे ₹10,000 की, तो कैसे पेड होगा, कैश के थ्रू। तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो प्राइमा फेसी मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं पहली क्लास में समझाना चाहूँ तो ये आपका है रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट को पूरा का पूरा खाली कर दिया, एसेट साइड को उठा करके यहाँ लिया है कैश और बैंक को छोड़ करके, लायबिलिटी साइड को पूरा का पूरा उठा करके यहाँ लिया है कैपिटल अकाउंट को छोड़ करके, और कुछ दो चार चीज़ें और भी छोड़ी है वो मैं क्वेश्चनों के बाद में बता दूंगा आपको धीरे धीरे करते हुए। एसेट्स किससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई, उन्हें बेचा गया चाहे कोई पार्टनर लेकर के गया, वो इधर लिखिए, बेचा गया तो इधर, पार्टनर लेके जा रहा तो इधर। लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बता रखा कि उसको पेड किया गया या नहीं पेड किया गया, यानी कि उसकी पेमेंट मिली है नहीं मिली, तो उसको फिर आप जीरो ही मानिएगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि उसकी पेमेंट कितनी मिली, ज़्यादा मिली, कम मिली या नहीं मिली, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब उसकी पेमेंट आज की डेट में जीरो हो गई है। तो देखिए मैंने ना तो यहाँ दिखाया ना ही यहाँ दिखाया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी के बारे में है, कुछ भी नहीं बता रखा, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा था कि इसकी पेमेंट करनी है या नहीं करनी, कितनी करनी है, तो आपको अपनी तरफ से ध्यान रख के चलना है कि लायबिलिटी की पेमेंट करनी 100% ज़रूरी है। क्वेश्चन में अगर मेंशन ना भी हो तब भी पेमेंट करनी है। तो देखिए मैंने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ की अपनी तरफ से ही पेमेंट कर दी। हाँ वो बात अलग है कि इसको फेस वैल्यू पे ही पेड किया जाएगा। तो लायबिलिटीज़ लिखी थी इधर, पेमेंट कर दी इधर, कुछ पेमेंट हमने कैश में की हैं और कुछ पार्टनर ने कर दी, और उसके अलावा अगर रिलेशन एक्सपेंसेस हैं तो उसको भी यहाँ पर पेड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल करेंगे, दोनों साइडों के टोटल में से क्रेडिट साइड बड़ी होगी या फिर डेबिट साइड। कन्फर्म है कि दोनों में से कोई ना कोई एक साइड बड़ी ज़रूर होगी। तो जौन सी भी साइड बड़ी है बड़ा टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो ध्यान रखिएगा ये हमारे फायदे वाली बात है। क्रेडिट का मतलब इनफ्लो है एक प्रकार से, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस इस तरह बचेगा, ये हमारा कहलाएगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए बी सी। मान लीजिए तीन पार्टनर है तो तीनों में उनकी जो रेशो होगी ओल्ड रेशो, वैसे ओल्ड और न्यू तो क्या, यहाँ पे तो खैर एक ही रेशो होती है, तो जो भी उनकी रेशो है उसके अंदर। कब, अगर बैलेंस इस तरह बचे, इस तरह बैलेंस कब बचता है, जब हमारी डेबिट साइड छोटी हो और क्रेडिट साइड बड़ी हो। इसके बारे में ज़्यादा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ऑलरेडी आप अच्छी तरह पता है, आपको एडमिशन में भी आपने देखा है, फंडामेंटल वाले चैप्टर में भी देखा है, रिटायरमेंट हर जगह आप देखते आ रहे हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते थे वहाँ पर भी यही था। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपके फायदे वाली बात है, और अगर बाई चांस डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस इस तरह बचेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस।
ये भी किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ए बी से रेशियो। क्लियर? तो दोनों साइडों का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड बढ़ी है चाहे डेबिट साइड बढ़ी है। क्रेडिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस इस तरह बच गया, वो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, रियलाइजेशन के प्रॉफिट को, और अगर इस साइड बच रहा है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को इंडिकेट करेगा। तो ये था आपकी आज की क्लास में, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट समझाया। कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बताने का अभी फायदा नहीं है, तो ये जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उससे आपको क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेकर के चलूंगा।